अब बात 28 मई की कर लेते हैं। 28 मई को नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, जिसका 19 दलों ने बहिष्कार कर दिया है। ये है बड़ी खबर। विपक्ष इसमें जाना ही नहीं चाहता है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमने सबको निमंत्रण भेजा है। लक्ष्य बहुत स्पष्ट उस वक्त भी था और आज भी स्पष्ट है। सत्ता का हस्तांतरण सिर्फ हाथ मिलाने से और एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से नहीं होता है। सत्ता का हस्तांतरण तब होता है जब सत्ता यहाँ की परंपराओं से चलेगी, यहाँ की परंपराओं के साथ जुड़ी रहेगी और हमारी संस्कृति के आधार पर, इसके मूल ढांचे पर नई आधुनिक जरूरियातों को ध्यान में रखते हुए चलेगी। तो ये सेंगोल का नए संसद भवन में स्थापन इसी बात का द्योतक है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उस वक्त 14 अगस्त को महसूस की थी। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। देखिए, सेंगोल को किसी राजनीति से नहीं छोड़ना चाहिए। यह एक भाव का प्रतीक है कि शासन न्यायपूर्ण तरीके से चले, नीति के अनुसार चले और कर्तव्य के रास्ते पर चले। और वो संसद में सेंगोल को स्थापित करने से हमेशा ये संदेश हमारे लोकतंत्र के लिए समग्र जनता में और जनता के प्रतिनिधियों के बीच में जाना है। ये इसके पीछे भाव है। राजनीति अब और नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासत भी हो रही है। कई पार्टियों ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन का बॉयकॉट किया है, जिसमें टीएमसी शामिल है, आप, आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने भी बहिष्कार किया है। लेफ्ट पार्टियों ने भी किया है बॉयकॉट, जिसमें शिवसेना, यूबीटी, जेडीयू, एनसीपी ने भी बॉयकॉट कर दिया है। जो नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे, इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा हुआ है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है। संसद के उद्घाटन में अगर आप महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर क्या बचता है? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आपने महामहिम राष्ट्रपति का तो घोर अपमान किया ही है, साथ ही साथ इस देश के आदिवासियों का, दलितों का, वंचित समाज का घोर अपमान किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी और नए संसद के उद्घाटन के कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाएंगे। राष्ट्रपति जी जो हैं, उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट कर। सरकार पर अगर कोई आरोप लगता है तो उसका सक्षम जवाब नहीं देना, तो ये देश तो अटल जी की परंपरा का रहा, पंडित नेहरू की परंपरा का रहा, स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की परंपरा रहा है। लेकिन ये देश के अंदर नई सियासत है, सवाल उठाइएगा तो जवाब नहीं देंगे। अनेक पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया है कार्यक्रम का, क्योंकि जिस प्रकार राष्ट्रपति जी की उपेक्षा की गई है, राष्ट्रपति जी को केवल राजनीतिक रैलियों में नाम लेके और आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का एक प्रतीक के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है और इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में ही पहले प्रधानमंत्री जो थे उन लोगों ने भी बहुत बिल्डिंग वगैरह उद्घाटन की है। तो इसीलिए ये ऐसे कारण लेके एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बायकॉट करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूँ, आप रिकंसिडर करके कार्यक्रम में आ जाइए। 28 तारीख को नए संसद भवन का इनॉग्रेशन है। प्रधानमंत्री के द्वारा विपक्ष को आपत्ति है इस बात को लेकर कि राष्ट्रपति को इस कार्यक्रम में
आमंत्रित नहीं किया गया है। डिप्टी लीडर कांग्रेस पार्टी राज्यसभा प्रमोद तिवारी हमारे साथ हैं। सर, बार बार बीजेपी की तरफ से ये हवाला दिया जा रहा है कि इससे पहले भी संसद भवन का विस्तार का कार्यक्रम था, उसमें इंदिरा गांधी पार्लियामेंट लाइब्रेरी में राजीव गांधी ने इनॉग्रेशन किया, तो सरकार के मुखिया की हैसियत से प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि वो इनॉग्रेशन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार को मैं चुनौती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आता कर्नाटक चुनाव के बाद हिल गया है या मानसिक संतुलन भाजपा का हो गया है। एनेक्सी एक कार्यालय, लाइब्रेरी जहाँ पुस्तकें रखी जाएं या छोटे मोटे कार्यक्रम, उसकी तुलना अब ये करेंगे भारत की संसद, लोकसभा और राज्यसभा जहाँ बैठती हो उसकी प्रधानमंत्री करते हैं। अरे बगल का कार्यालय जो लोकसभा के, उसको तो स्पीकर साहब ने किया था, हमने तो कोई आपत्ति नहीं की थी, हम गए थे। पर संवैधानिक रूप से सदन, संसद एक संवैधानिक स्थल होता है और उसको आप प्रधान जो संवैधानिक मुखिया उससे न करा के, क्या यही दोष है राष्ट्रपति जी जो महिला है, आदिवासी दलित परिवार से आती, और आप उसमें उपराष्ट्रपति जो सभापति हैं राज्यसभा के उनको भी आप नहीं बुलाएंगे क्योंकि वो किसान परिवार से आते हैं, वो पढ़े लिखे अधिवक्ता हैं, तो आप अपमान कर रहे हो अधिवक्ताओं का, किसानों का, सबका अपमान कर रहे हो और संविधान की परंपराओं की अवहेलना कर रहे हो, संविधान की हत्या कर रहे हो, तो विपक्ष उसमें भागीदार नहीं बनेगा, इसीलिए हमने इसका बहिष्कार किया। सर, एक और विवाद का मुद्दा ये है कि वीर सावरकर की जयंती के दिन इस कार्यक्रम को रखा गया है, क्या इस बात से भी आपत्ति है आप लोगों? दिक्कत है भाजपा की, हर चीज को सांप्रदायिक बना देना, हर चीज को ध्रुवीकरण करने का प्रयास करना। अरे करना ही था किसी को उस पर, तो एक दिन पहले 27 तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री सदन के, संसद के हुए, अंतरिम प्रधानमंत्री हुए, फिर प्रधानमंत्री हुए, अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान बनाया, सरदार पटेल जिनके आप बड़ी स्टैचू लगवाते हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद, किसी एक के दिन कर देते, आप उसकी स्मृति में कर रहे हो जिसकी स्मृति मुझे नहीं मालूम कि क्या वो नज़रिया है उनका, अगर है तो। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ममता दीदी के बाद आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और उद्धव ठाकरे ने भी केजरीवाल को साथ का भरोसा दिया है। पश्चिम बंगाल से भरोसा मिलने के बाद खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र से भी भरोसा मिला है, उद्धव ठाकरे से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है अरविंद केजरीवाल ने। केंद्र ने जो अध्यादेश लाया है उसको राज्यसभा में गिराने के लिए अरविंद केजरीवाल सभी का साथ मांग रहे हैं। जिस दिन फैसला आया 8 साल की लड़ाई के बाद, उसके 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके वो सारी शक्तियां वापस छीन ली। तो जनतंत्र के अंदर जनता की चलनी चाहिए कि गवर्नर की चलनी चाहिए, जनता की चलनी चाहिए कि केंद्र की चलनी चाहिए? जनतंत्र में तो चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए ताकि जनता के जो जनता मांगे वो काम कर सके, जनता के प्रति जवाब दे, तो चुनी हुई सरकार होती है। लेकिन उन्होंने सारी शक्तियां छीन ली। इसका मतलब ये साफ साफ ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है वो एक प्रजातंत्र के लिए आवश्यक था, लेकिन उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने क्या माने चला वटहुकुम अध्यादेश लाया, तो ये कौन सा जनतंत्र है? ये तो लोगों ने चुने हुए प्रतिनिधि है, अपने लोग हैं, अपना प्रतिनिधि उन्होंने चुना है, तो उनको कुछ अधिकार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो फिर शायद ऐसे भी दिन आ जाएंगे कि राज्य में स्टेट में इलेक्शन ही नहीं हो जाएंगे, सिर्फ केंद्र में इलेक्शन हो जाएंगे, वो भी इलेक्शन 2024 तक होने की संभावना है, उसके बाद जनता जो फैसला करेगी वो जनता। इसलिए हम उनको नींद से जगाने के लिए एक साथ आए हैं